हे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं ड्रीम जॉब्स इन सिंगापुर। अगर आपका भी ड्रीम होगा सिंगापुर में जाकर के जॉब करने का, तो ये वीडियो जो है आपके लिए है। क्योंकि मेरा ज़्यादातर जो व्यूअर है दोस्तों, वो 18 साल से लेके 40 साल के होते हैं मैक्सिमम, जो जॉब्स के तलाश में होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं जो सिंगापुर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हों या फिर जॉब्स के लिए। और आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपका भी ड्रीम होगा सिंगापुर में जाके जॉब करने का, तो कौन कौन सा जॉब अवेलेबल है और क्या सैलरी क्या इनकम होता है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच। आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल लावण्या ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। दोस्तों, अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपका करियर का सवाल है यार। शुरू करते हैं दोस्तों। वैसे तो मेरा जितना भी व्यूअर हैं उसमें ज़्यादातर जो व्यूअर हैं वो यूरोपियन कंट्री के तरफ रुझान है, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, होटल मैनेजमेंट किए हैं या किसी भी सेक्टर में आपने ग्रेजुएशन किया है, तब भी आपके लिए सिंगापुर का दरवाज़ा ओपन है दोस्तों, जहाँ पर आप जाकर के अच्छा खासा इनकम और अपना करियर भी बना सकते हैं। जी हाँ दोस्त, अगर आप होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं तो आपका सैलरी लगभग $1,800 से चालू होके $2,500 तक होता है। जी हाँ, अगर आप फ्रेशर हैं तब भी, चाहे आप हाउसकीपिंग में जाएं, चाहे आप फ्रंट ऑफिस में जाएं, चाहे आप किचन में जाएं, चाहे आप सर्विस में जाएं, सभी डिपार्टमेंट में होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट को मिनिमम 1800 से लेके 2500 तक सैलरी मिलता है। हाँ, ये वो अलग बात है कि अभी जो है दोस्तों, पैंडेमिक खत्म होने के बाद सिंगापुर का जो भी एम्प्लॉयर्स हैं वो एकोमोडेशन मुहैया नहीं करा रहे हैं। हालांकि आपको फूड मिल जाता है कंपनी की तरफ से, बट एकोमोडेशंस के लिए थोड़ा सा आपको अपना जेब ढीला करना होगा, क्योंकि वहाँ का जो एकोमोडेशन कॉस्टिंग है वो लगभग $450 अभी हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप अपना एकोमोडेशंस का जो भी एक्सपेंडिचर्स काटने से भी आपको कम से कम 1500-1400 तक तो आराम से मिल ही जाएगा। इसके अलावा आपको मिल जाता है टिप्स और सर्विस चार्ज भी, अगर आपने अच्छा खासा होटल में काम किया तो, अन्यथा 1500 तो आप कमा ही सकते हैं। दोस्तों, अभी सिंगापुर में मैक्सिमम जो भी वीजा आ रहे हैं वो वर्क परमिट आ रहा है, एस पास बहुत कम मिल रहा है, कोटा का शायद प्रॉब्लम है इस वजह से। तो अगर आपका भी ड्रीम है सिंगापुर जाके जॉब करने का, तो अभी आप जाइए वर्क परमिट में, और यही एक रास्ता है जिसमें आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाएगा। वरना आप जा सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा में, अगर आपको एस पास, ई पास या वर्क परमिट नहीं मिल रहा है तो आपके पास आखिरी रास्ता बचता है, वो है स्टूडेंट पास। स्टूडेंट पास में जाने का फ़ायदा भी बहुत है, अगर आपने 10th क्लास पास किया हो, 12th क्लास पास किया हो या फिर ग्रेजुएशन किया हो, फिर भी आपके मन में ये सुगबुगाहट हो रहा है कि भाई मुझे सिंगापुर जाना है, तो सिंगापुर आप जा सकते हैं स्टडी वीज़ा में। स्टडी वीज़ा में जाने से फ़ायदा आपको ये होगा कि खर्चा कम लगेंगे, 3.5 लाख के करीब खर्चा होता है अगर आप एडवांस डिप्लोमा या डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में गए तो। ठीक है, और हालांकि एज पर गवर्नमेंट रूल आप वहां पर जाके पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते, लेकिन लोग वही करते हैं ना। देखिए, आपका खर्चा आप निकाल सकते हैं अगर आप थोड़ा बहुत चतुर हैं तो। ठीक है, वो बात मैं यूट्यूब में नहीं समझा सकता कि आपको कैसे और कहां पर इनकम होता है, बट मेरा मकसद यही था आपको बताने का कि भाई आपके पास कई तरीके हैं अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हो तो। ठीक है, आप सोचेंगे कि भाई अप्लाई कहाँ से करें, कौन सा एजेंसी अच्छा है, तो एजेंसी के लिए तो मैं बाद में वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन आज मैं आपके लिए एक वेबसाइट लेके आया हूँ जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके जरूर देखिएगा और कोशिश जरूर करें, हर दिन अप्लाई करें दोस्तों। अगर आपको जॉब चाहिए तो CV तैयार कर लीजिए, कवर लेटर तैयार कर लीजिए, एक फ़ोटो, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, सारे एजुकेशन सर्टिफिकेट्स का स्कैन कॉपी और एक्सपीरियंस कुछ है तो वो भी डाल दीजिए, और जो मैं वेबसाइट दूँ दोस्तों इन डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को क्लिक करके अप्लाई करना चालू कर दीजिए, कंटिन्यूसली अप्लाई करें यार। अगर आपने 50-60 जॉब अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं 2-4 जॉब का तो रिप्लाई तो आएगा ना, तो यार कोशिश करने में क्या हर्ज है।
इंस्टेड ऑफ गिविंग लैक्स ऑफ रुपीज टू योर एजेंट, यू कैन ट्राई ऑनलाइन, ठीक है। बट ऑनलाइन में बहुत फ्रॉड होता है, जरा देख के। अब ये मत बोल देना कि सर आपने तो बोला था ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, तो हमने अप्लाई किया, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा बदनाम मत करना यार। मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको फ्री में जॉब हो जाए, ठीक है। और वही एक रास्ता है जहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई करके जॉब ले सकते हैं, लेकिन जॉब अप्लाई करने से पहले सतर्क रहें, थोड़ा देख लेना भाई कि कौन सा कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं और कंपनी का पोर्टफोलियो क्या है। हाँ, अगर आपने 5-स्टार होटल में अगर डायरेक्टली अप्लाई किया, जैसे कि हिल्टन है, एलोप्थ है, ला मेरिडियन है, वेस्टिन है, ठीक है, तो इस तरह का जो ब्रांडेड कंपनीज है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर आपने कोई थर्ड कंपनी में अप्लाई किया तब आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। एक बात और, कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर एजेंसी वाले फ्रॉड करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास नॉलेज है कि कौन सा कंट्री का प्रोसेस कैसा होता है, तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। और अगर आप मेरा सारा वीडियो देखते होंगे तो मैं हर कंट्री का वीडियो लेकर आता हूँ और प्रोसेस के बारे में बताता हूँ कि प्रोसेस कैसा होता है, कितना दिन का समय लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, वीज़ा कब आता है, वर्क परमिट कब आता है, VFS आपको कब जाना है, कहाँ का कैसा प्रोसेस है, कौन सा कंट्री का कितना दिन लगता है, तमाम कंट्रियों के बारे में वीडियो लेकर आता हूँ। बस करते हैं, आपको वीडियो देखना है, समझना है, आपको कोई फ्रॉड कभी नहीं कर सकता। आशा करता हूँ आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ होगा, अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हैं सिंगापुर में। तो आज के बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह का एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। अगर आप पहले बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपका करियर का सवाल है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।